Hey, what's up guys? You are watching On Time Technics. I am Shahrukh. Let's start right now. तो वह सबसे पहले तो आपको On Time Technics की ओर से हैप्पी दीपावली। और आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक ऊपर बात करने वाला हूँ वो है दोस्तों गूगल का अनलॉक क्लॉक। जी हाँ दोस्तों, ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये एक लाइव वॉलपेपर है। और अब आप सोच रहे होंगे कि इस लाइव वॉलपेपर को हम क्यों यूज़ करें। दोस्तों ये अगर वगैरह फालतू का लाइव वॉलपेपर नहीं है, क्योंकि ये आपकी बैटरी को रिड्यूस नहीं करता है, ये आपकी बैटरी को उल्टा सेव करता है। दोस्तों अब बात ये है कि बैटरी को सेव कैसे करता है। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे कि एंड्रॉइड 9 या एंड्रॉइड 10 के अंदर डार्क मोड या नाइट मोड का फीचर हमें मिल रहा है, ठीक उसी तरह ये वॉलपेपर जो जिस तरीके से डेवलप किया गया है, तो इसके अंदर जो इसका जो कलर है वो है डार्क, यानी कि डार्क मोड की तरह आपको लगेगा देखने में। जैसे कि हम किसी वॉलपेपर को सेट करते हैं, उसे इन्वर्ट कलर कर देते हैं, तो उसी तरह से आपको ये देखने में बिल्कुल डार्क लाइव वॉलपेपर की तरह लगेगा। और दूसरा दोस्तों ये है कि बैटरी के कंजप्शन को ये नहीं करता है, ये आपकी बैटरी को रिड्यूस नहीं करता है, उल्टा ये आपकी बैटरी को सेव करता है। क्योंकि ये जो वॉलपेपर है इसके अंदर कोई भी किसी तरीके का फालतू एनिमेशन नहीं है जो आपकी बैटरी को रिड्यूस करे। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम क्यों यूज़ करें, क्या वजह है इसको यूज़ करने की, हम तो वैसे भी फालतू के इधर उधर से वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको यूज़ करने की वजह यह है कि जब आप अपनी स्क्रीन पे, होम स्क्रीन पे या लॉक स्क्रीन पे किसी वॉलपेपर को सेट करते हैं, तो ठीक उसी तरह अगर इस वॉलपेपर को आप सेट कर लेंगे तो आपके दिन में यानी कि 24 घंटे के अंदर, एक वन डे के अंदर, आप जितने भी बार अपने डिवाइस को अनलॉक करेंगे वो सभी काउंटिंग आपकी स्क्रीन पर यानी कि होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन पर जहाँ भी आप इसको सेट करते हैं वहाँ पर काउंट होते रहते हैं। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि 24 घंटे के अंदर आपने अपने फ़ोन को कितनी बार अनलॉक किया। तो इसी के साथ साथ जो लोग अपने फ़ोन में यानी कि अपने डिवाइस में उंगली करते रहते हैं, बेवजह अनलॉक किया, सेटिंग्स में गए, बैक किया, अनलॉक किया, लॉक किया, इस तरह के फालतू हरकत करते रहते हैं, तो उन लोगों को भी पता चलता रहेगा कि दिन में अपनी डिवाइस को वो कितना यूज़ कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप इस लाइव वॉलपेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात यह है कि आप इसको सेट कैसे करेंगे। दोस्तों सेट करने के लिए सीधे सीधा आप सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जो वॉलपेपर का जो सेक्शन मिलता है वहाँ जाने के बाद आपको लाइव वॉलपेपर मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको सेलेक्ट कर लें और सीधा सेव कर दें। कोई फालतू की सेटिंग इसमें नहीं करनी है, सीधा आप इसे सेट कर दें अपनी होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन पे। अब दोस्तों बात यह है कि जो लोग एंड्रॉइड 9 या एंड्रॉइड 10 की डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैं सैमसंग गैलेक्सी M20 यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे फ़ोन के अंदर सेटिंग्स के अंदर जब मैं वॉलपेपर सेक्शन में जाता हूँ तो कोई लाइव वॉलपेपर का कोई ऑप्शन मुझे नहीं मिलता था, तो मैं इस वॉलपेपर को कैसे यूज़ करूँगा। तो उन लोगों के लिए मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ कि कैसे इस लाइव वॉलपेपर को आप सर्च करेंगे और इसको सेट करेंगे। तो इस वीडियो में ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहिएगा हमारा ये वीडियो। तो गाइस ये जो ट्रिक है ये उन लोगों के लिए है जिनके सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है जिसे हम वॉलपेपर को सेट कर सकें। जैसे कि हम वॉलपेपर एंड थीम्स में जाएंगे तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो उन लोगों के लिए आपको क्या करना है कि या तो आप यहीं से कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर टैप एंड होल्ड करें। तो वहाँ पर टैप एंड होल्ड करने के बाद आपको वॉलपेपर का ऑप्शन मिलेगा। वॉलपेपर का ऑप्शन के बाद आप जैसे कि ये सारे वॉलपेपर हैं मेरी डिवाइस के अंदर, तो मैं व्यू ऑल पे जाऊँगा। व्यू ऑल पे जाने के बाद आपको 3 डॉट्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको लाइव वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाता है। खास करके ये सैमसंग गैलेक्सी डिवाइसेस के लिए है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अनलॉक क्लॉक का ये ऑप्शन है, मैं इसे यहाँ से सेट कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपनी होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन पर सेट कर सकते हैं इस वॉलपेपर को। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अभी मॉर्निंग से अभी तक अपनी डिवाइस को 24 यानी कि 24 बार अनलॉक किया है, तो सारी काउंटिंग आपके स्क्रीन पर आती रहती है। मैंने होम स्क्रीन पर भी इस वॉलपेपर को सेट किया है और अपनी लॉक स्क्रीन पर भी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना यूनिक लगता है ये। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको हमारे छोटे से वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और जाने से पहले नीचे इस बॉल के आइकन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको।